हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम राणा, आई एम रेणुका। सो फाइनली हमारा नायका का पैकेज डिलीवर हो चुका है। तो हमने कुछ टाइम पहले नायका से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, तो आज उसी का हम आपको रिव्यू और एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम अमेजोन से हमेशा आपका अमेजोन का अनबॉक्सिंग रिव्यू देते रहते हैं। तो हाँ, इस वीडियो में आज हम आपको जो नायका और अमेजोन के बीच में डिफरेंस है, प्रोडक्ट का डिफरेंस, डिलीवरी का डिफरेंस, पैकेज का डिफरेंस, तो आज हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। वी होप आपको ये वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि आपको प्रोडक्ट कहाँ से परचेज करना है। तो आगे बढ़ने से पहले हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो और सारी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अगर आपको और भी अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट्स देखने हैं तो यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लीज डू, ऑनेस्ट रिव्यू दिया है उसमें, वेरी ऑनेस्ट, और काफी रियलिस्टिक रिव्यू है हमारे। तो स्टार्ट करें। ओके, तो पहले बात आती है पैकेजिंग और डिलीवरी की। तो नायका से मैंने कुछ 5 to 6 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे और वो सारा मुझे एक ही बार में डिलीवर हुआ, पूरा एक ही पैकेज में। जबकि अमेजोन में ऐसा नहीं है, अगर मैंने 4 to 5 प्रोडक्ट ऑर्डर किए तो मुझे अलग अलग टाइमिंग में सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। एक बार मुझे 10 बजे प्रोडक्ट मिला, उसके एग्जैक्ट 15 मिनट बाद मुझे सेकेंड कॉल आया था सेकेंड डिलीवरी के लिए। और एक बार तो मुझे एक दिन में 3 to 4 पैकेज डिलीवर होते अलग अलग टाइम पर, तो ये बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता है, जो कि नायका ने बहुत ईजी कर दिया एक ही बार में सारा डिलीवर करके। तो अब आते हैं डिलीवरी टाइमिंग पे। नायका से हमें प्रोडक्ट विद इन 2 डेज मिल गया था, जबकि हमें अमेजोन से डिफरेंट टाइमिंग पे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अब टाइम है अनबॉक्सिंग का। क्या हो गया इसे? मैं करती। क्या है? तो ये ऐसा बॉक्स है, ये यू करके ओपन है और ये रहे हमारे प्रोडक्ट जो हमने मंगाए थे। तो पेपर्स हैं कुछ। स्मेल कैसी आ रही है इसमें से? स्मेल आ रही है, बचपन में होता था ना कॉपी में से एक गत्ते की स्मेल आती थी, वो स्मेल आ रही है। तो एक प्रोडक्ट है इसके अंदर, देखते हैं। ओह नो, सारे प्रोडक्ट इसी में डाल दिए, बचे ही क्या है। अच्छा, तो पैकेजिंग में कुछ नहीं था, इन्होंने ये पैकेजिंग में कुछ नहीं था, ये पेपर थे वो सपोर्ट, और ये जो हमने मंगाए छोटे प्रोडक्ट वो सारे इसके अंदर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीलर, आपको पता होगा इम्पॉर्टेंट कंसीलर मुझे कितना प्यारा है। तो मैंने अमेजोन से भी कंसीलर ऑर्डर किया है, नायका से भी किया है। तो इनकी पहले एक बार क्वालिटी देख लेते हैं, कैसी क्वालिटी है दोनों की। तो मैंने शेड ऑर्डर किया था सैंड, तो ये कुछ ऐसा है। और जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था बहुत पहले, तो ये जो आप अभी देख रहे हैं ये नायका का कंसीलर है, और ये अमेजोन से जो मैंने ऑर्डर किया था। तो थोड़ा टेक्सचर पर डिफरेंस आ रहा है, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है अमेजोन से जो मैंने कंसीलर ऑर्डर किया था, तो मे बी इस वजह से थोड़ा थिक टेक्सचर आ रहा है इसका, बट अदरवाइज प्रोडक्ट सेम ही है। सेम प्रोडक्ट है हमारे पास, लिपस्टिक योर फेवरेट। तो ये मुझे बहुत टाइम हो गया इसको यूज कर रहे हुए, लैक्मे ये है। तो ये लिखा हुआ खुशिया, यहाँ पे आपको दिखना मिल जाएगा शेड है, मेंशन कर देंगे। तो मैं आपको टेक्सचर दिखा दूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं मैंने लिपस्टिक रिमूव कर ली है अपनी पहली वाली, और मैं तो फिर दाते सुबह तू ड्रामे कर रही है, मेरा फेस ऐसा आ रहा है। नहीं, सो दिस इज द कलर। लिप लाइनर थोड़ा अच्छी तरह से और लगा के लगाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, अब बेटर लग रहा है। तो आप हम बहुत टाइम से बस न्यूडी शेड यूज कर रहे थे, तो इस बार हमने सोचा लेट्स गो विद सम नियॉन और बोल्ड कलर्स। ब्लश भी लगा के दिखा देती हूं। आप चाहे तो लिपस्टिक को एज अ ब्लश भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं इसका। जैसे कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आपको पता होगा मैं काफी मेकअप रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ, लिंक इज ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए मुझे नया पैलेट चाहिए था, पुराना पैलेट पूरा खराब हो चुका है, खत्म ही हो चुका है वो। तो इसका मुझे काफी इंतजार था। तो ये मैंने पैलेट मंगाया था रेवोल्यूशन का,
सो फाइनली जो मेरा पहला पैलेट था उसमें थोड़ा आई थिंक कलर्स थोड़े सिमिलर्स थे ज्यादातर कलर, तो थोड़ा डिफरेंट कलर के लिए मैंने ये मंगाया है, तो लुक आई अप्रिशिएट इट. नो आई रियली मेरे पास काफी कलर्स नहीं थे इससे रिलेटेड, लाइक उसमें कुछ कलर क्या कहते हैं पिगमेंटेड पिगमेंट वाला था ना पिगमेंट तो उसमें कुछ कलर थे जो मम्मी उड़ेंगे ना मैं सुना देंगे उसमें कुछ कलर थे जो कि पिगमेंटेड नहीं थे, बट आई थिंक इसके अच्छे होंगे दिखा देते हैं. खुदा क्या हो गया इतनी तारीफ करती थी कि बंदी हो गया. नहीं नहीं नया ऐसे. अरे यार यहाँ पर एक टेप लगा हुआ है जिस वजह से ओपन नहीं हो रहा. ये मतलब यहाँ पर टेप लगाने का मतलब क्या है? पर पागल कहीं पता चले ना कि कोई और यूज ना कर ले इसी मर ये पागल की गिरे ना फिर प्रोटेक्शन लगा रखा है कि खुले ना बंद रहे गिरे भी तो बोले को यूज ना कर ले कोई आर्गुमेंट नहीं पता किसी को यूज करना होगा तो उसे ऐसे ओपन करके भी यूज कर लेगा ना शट अप. तो ओह माय गॉड माय गॉड डैम बहुत ही अच्छे कलर है. तो आप रेडी है नया अपना लुक क्रिएट करने के लिए? प्लीज प्लीज बर्थडे गिफ्ट बड़ा वाला पैलेट दे दे प्लीज बर्थडे के मेरा बर्थडे आ रहा है देखा जाएगा बर्थडे पे बहुत एक्साइटेड होगी. तो येलो कलर देखते थे क्योंकि जो येलो कलर होते हैं ऐसे ब्राइट और लाइट कलर होते हैं वो ज्यादा पिगमेंटेड नहीं होते, तो उसको चेक कर लेते पहले येलो. नाइस यार. अब ट्राई कर लेते हैं दिस ब्लू कलर. एक ही मरून एक मरून ट्राई कर. तो एक और बात, ऐसा नहीं है कि अमेजोन में प्रोडक्ट अच्छे नहीं है. मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लगता है कि जिसमें कुछ डिफेक्ट है या आपको लग रहा है कि ये फेक आ गया, तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं. रिटर्न करने से पहले आप जब भी ऑर्डर करते हैं आप हमेशा देखें उसमें और पहले ही रिटर्न और रिफंड पॉलिसी होनी जरूरी है. अगर उसमें रिटर्न या रिफंड पॉलिसी नहीं है उसके बाद आपको कोई डैमेज प्रोडक्ट मिल जाता है, लाइक प्रोडक्ट ही आपका जो डिलीवरी हुई वो डैमेज प्रोडक्ट के साथ हुई है, तो आप उसको रिफंड करवा सकते हैं अमेजोन पे कॉन्टेक्ट करके. आपको कस्टमर केयर में कॉन्टेक्ट करना होता है. नेक्स्ट प्रोडक्ट है काजल. तो ये जस्ट फॉर ट्राई हमने मंगाया है क्योंकि यूजुअली हम काजल वेयर नहीं करते. सबसे अच्छी बात है काजल के साथ हमें मिली है ये लिपस्टिक फ्री. और सबसे अच्छी बात ये 90 रुपीज का, यहाँ पर 90 रुपीज लिखा है, 90 रुपीज का ये काजल है. बट इसके साथ जब मुझे लिपस्टिक मिली तो इसका प्राइस और कम हो गया था. आई थिंक ये 75 या 76 रुपीज का काजल हो गया था, साथ में लिपस्टिक फ्री. और क्या चाहिए तो काजल काजल की तरह नॉर्मल जो LA18 का प्रोडक्ट है. लिपस्टिक एक्चुअली शेड चूज करने का हमें ऑप्शन नहीं मिला था, लिपस्टिक ऑटोमेटिकली अपने आप कार्ड में एड हो गई थी. तो कलर देख लेते कौन सा कलर है. नाइस यार, बुरा नहीं. और कौन सा ब्रांड है? LA18. और लिपस्टिक भी LA18 की है. नाइस है लिपस्टिक, इसमें ज्यादा ब्राइट दिख रहा है पर ये काफी डार्क कलर है. नाइस है लिपस्टिक, तो अच्छी है, शेड काफी अच्छा लिपस्टिक का, इससे अच्छा शेड लग रहा है मुझे इसका. तो नायका का जो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था काफी अच्छा है, काफी मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट देख के काफी अच्छा लगा. बट अमेजोन से काफी बार मेरे पास लाइक फेक प्रोडक्ट आ गए हैं जो कि मुझे काफी बार रिटर्न करवाना पड़ता है, रिफंड करवाना पड़ता है. एक दो बार तो मैं रिटर्न रिफंड भी नहीं करवा पाई, वो वेस्ट हो गया. प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. बाय.